वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर 3 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दें, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। फॉर एनी गिवन टाइम इंटरवल वी नो दैट Distance is greater than equal displacement. Distance is greater than equal displacement mod. So we are study in our previous class. Distance is always positive and displacement is positive, negative, and zero. You know. So distance and displacement कब same होंगे? जब किसी straight line में motion होगा. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है आपके पास वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, तो इन दिस कंडीशन एवरेज जो स्पीड है आपकी, ठीक है, इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एवरेज जो स्पीड है वो भी ग्रेटर देन होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड किससे आएगी? डिस्टेंस से आएगी। तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, कहाँ से आई है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस से आई है और एवरेज जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से आई है आपके पास। तो इस कंडीशन में एवरेज जो स्पीड है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी किसके? ग्रेटर देन इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। फो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड देखते हैं, फॉर ए मूविंग पार्टिकल एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव जीरो नहीं होगी, ठीक है, डिस्टेंस भी नहीं होती नेगेटिव और जीरो, तो स्पीड भी उसकी नेगेटिव और जीरो नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव जीरो नहीं होगी, बट यहाँ पे वेयर एज एवरेज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और जीरो। देखो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेना कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो नेगेटिव और जीरो हो सकती है, जबकि स्पीड जो है वो नेगेटिव जीरो नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं वी एवरेज इज ग्रेटर देन जीरो। वी एवरेज यहाँ वेक्टर नहीं है, तो ये वेलोसिटी को किसको शो कर रहा है? स्पीड को। यहाँ वी एवरेज ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दिखाया हमने, ठीक है। तो वी एवरेज वेक्टर फॉर्म में है, तो जीरो इज लेस देन जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉसिबल कंडीशंस हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ मूविंग पार्टिकल कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट देन द डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। कोई भी पार्टिकल है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं जाके फिर वापस उसी पॉइंट पे लौट आता है, कम बैक हो जाता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ से गया और वापस यहीं आ गया, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो इट मीन्स डेल एक्स जो आपके पास है वो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होगी। कैसे होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा भाई, जाके वापस वहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना। सो डेल एक्स वेक्टर फॉर्म में दिखाया, तो इसमें इट मीन्स क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो डेल एक्स इज जीरो, सो वी एवरेज इज जीरो इन दिस कंडीशन, क्लियर। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस सो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे बेटा? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये ध्यान दे लेना। स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ऐसा होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, और इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। जो वीडियो है उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच।